नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में और उसकी एक बहुत ही स्पेसिफिक होम्योपैथिक मेडिसिन जिसका कि होम्योपैथी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ही सक्सेस के साथ इसको होम्योपैथिक फिजिशियन यूज़ करते हैं और बहुत अच्छे सक्सेस रेट हैं इसके। मतलब क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये देखा जाता है कि जो भी होम्योपैथिक फिजिशियन इस मेडिसिन को हाइपोथायरॉयडिज्म के केसेस में यूज़ करते हैं उनको लगभग लगभग जो रिजल्ट मिलते हैं वो 100% क्योर के मिल जाते हैं। तो इस मेडिसिन का नाम है दोस्तों थायरॉयडिनम। ये मेरे पास थायरॉयडिनम का बिल्कुल एक नया पैक रखा हुआ है जिसके बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा। और ये थायरॉयडिनम 3x पोटेंसी में होम्योपैथी में ज़्यादातर यूज़ करते हैं, हालांकि मैं 30 पोटेंसी में भी यूज़ करता हूँ, 1m, 10m, lm में भी मैं इसका यूज़ करता हूँ। तो ये क्लिनिकल सिम्टम्स के जो असेसमेंट किया जाता है उसके आधार पर पोटेंसी का निर्धारण हम लोग करते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में यदि हम बात करते हैं तो हाइपोथायरॉयडिज्म एक ऐसी बीमारी है दोस्तों जिसमें कि हमारी जो थायरॉयड ग्लैंड होती है जो गले के इस हिस्से में होती है, ये जो एडम्स एप्पल आप देख रहे हैं इसके पीछे एक ग्लैंड होती है, तितली के आकार की ग्लैंड होती है, बटरफ्लाई शेप्ड एक ग्लैंड होती है, इस ग्लैंड को थायरॉयड ग्लैंड कहा जाता है। इस ग्लैंड का काम है थायरॉयड हार्मोन का सीक्रेशन करना। अब जब भी कभी किसी भी कारण से ये जो ग्लैंड होती है ये अंडर एक्टिव हो जाती है, यानी कि काम करना थोड़ा सा बंद कर देती है या कम कर देती है, तो जो थायराइड हार्मोन हमारी बॉडी में जितना प्रोड्यूस होना चाहिए, जितनी मात्रा में रिलीज होना चाहिए, उतनी मात्रा में वो रिलीज नहीं हो पाता है। इसी कंडीशन को हाइपोथायरॉयडिज्म कहा जाता है। यदि हम इसके सिम्टम्स की बात करते हैं तो इसके बहुत सारे सिम्टम्स अलग अलग स्तर पर पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। खास बात यह है कि हाइपोथायरॉयडिज्म महिलाओं में सबसे ज़्यादा होता है, इसके अलावा पुरुषों में और बच्चों में भी हाइपोथायरॉयडिज्म के केसेस देखे जाते हैं। इसके जो प्रमुख सिम्टम्स होते हैं जो महिलाओं में खास तौर से देखे जाते हैं वो होते हैं वेट गेन होने लगना, बहुत ज़्यादा वेट उनका गेन होने लगता है, वज़न एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है और बहुत ज़्यादा ओबेसिटी जिसको हम बोलते हैं वो डेवलप होने लगती है महिलाओं में, या जो भी हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट होते हैं उनमें स्किन में ड्राइनेस आने लगती है, यानी कि उनकी स्किन सूखने लगती है, हार्ट रेट उनकी स्लो होने लगती है, पसीने से संबंधित अनियमितताएं उनमें होने लगती हैं, यानी कि कुछ महिलाओं में पसीना आना बिल्कुल बंद हो जाता है और कुछ को एक्सेसिव पसीना आने लगता है। इसके अलावा बहुत सारी महिलाओं में बालों का झड़ना, चेहरे में पफीनेस आ जाना, पफीनेस का मतलब होता है चेहरा एकदम से लाल पड़ जाना, स्वेलिंग टाइप की आ जाना, फूला हुआ सा महसूस होना, ये पफीनेस का मतलब होता है। तो इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा कब्ज़ उनमें होने लगती है और मासिक धर्म से संबंधित अनियमितताएं भी बहुत सारी महिलाओं में होने लगती हैं, खास तौर से उन महिलाओं में जिनमें कि हाइपोथायरॉयडिज्म ज़रूरत से ज़्यादा पुराना हो चुका होता है, उनमें मासिक धर्म संबंधी यानी कि उनके पीरियड्स से संबंधित अनियमितताएं होने लगती हैं, जैसे कि कभी कभी पीरियड्स बहुत जल्दी आ जाते हैं, कभी बिल्कुल ही लेट आते हैं, कभी दो दो तीन तीन महीने तक नहीं आते हैं, कभी कुछ केसेस में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, कभी कुछ केसेस में स्कैंटी ब्लीडिंग होती है, बहुत ही कम एक दो दिन ब्लीडिंग होती है। तो इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं ये हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स होते हैं जो खास तौर से महिलाओं में देखे जाते हैं। यदि हम बच्चों में हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करते हैं तो बच्चों में भी हाइपोथायरॉयडिज्म बहुत ज़्यादा देखा जाता है और इसके जो सिम्टम्स होते हैं उनमें ज़्यादातर बच्चों में स्लीपीनेस आने लगती है, बच्चों को सुस्ती आने लगती है, बच्चों के नींद बहुत ज़्यादा आती है उनको, इसके अलावा उनकी जो जीभ होती है, उनकी जो टंग होती है वो एकदम से मोटी पड़ने लगती है, उनकी जो ग्रोथ होती है वो रुकने लगती है, स्टंडर्ड ग्रोथ जिसे कहा जाता है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, वो ग्रोथ उनकी रुकने लगती है, हाइट छोटी रह जाती है थायराइड के अंडर एक्टिव हो जाने के कारण। तो ये जो सारे सिम्टम्स होते हैं ये बच्चों में देखे जाते हैं। इसके अलावा जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो सभी लोगों में देखे जाते हैं, जैसे कि मूड स्विंग होना, यानी कि चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो मेल हो, सब में मूड स्विंग होने की सिम्टम्स होने लगते हैं, यानी कि उनका जो मूड होता है वो बार बार और जल्दी जल्दी बदलने लगता है। इसके अलावा हाथ पैरों में जोड़ों में उनको दर्द की शिकायत रहने लगती है। तो ये जो सारे सिम्टम्स होते हैं ये हाइपोथायरॉयडिज्म के कॉमन सिम्टम्स होते हैं। अब मैं बात करता हूँ आपसे थायरॉयडिनम के बारे में। होम्योपैथी में लगभग लगभग एक स्पेसिफिक मेडिसिन है, ये मेरे पास SBL की हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए जो मेडिसिन है थायरॉयडिनम जिसे कहा जाता है वो मेडिसिन है। ये 3x पोटेंसी में है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने बिल्कुल नया जो है डिब्बा मंगवाया है, बिल्कुल अभी इसको मैंने खोला है और ये इस तरह से इसकी पैकिंग आती है। आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये टैबलेट्स होती हैं, आप देखिए इनको, ये इस तरह की टैबलेट होती हैं जो कि थायरॉयडिनम 3x की होती हैं।
और इन टैबलेट्स का यूज़ किया जाता है होम्योपैथी में। ये 1 पाउंड का डिब्बा कहलाता है, 1 पाउंड होता है लगभग 450 ग्राम के आसपास, तो ये 450 ग्राम का डिब्बा होता है जो होम्योपैथी में थायरॉइडनम के टैबलेट का आता है। थायरॉइडनम टैबलेट के फॉर्म में ही रहती है, इसी फॉर्म में रहती है, आप इसको अच्छे से देख लें, ये 3x पोटेंसी है थायरॉइडनम की। तो आज मैं आपसे इसी के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले हम इसके मेंटल सिम्टम्स की बात करते हैं दोस्तों। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाइपोथायरॉइडिज्म के जो सिम्टम्स होते हैं वो सारे सिम्टम्स थायरॉइडनम के केसेस में देखने को मिलते हैं। माइंड से रिलेटेड सिम्टम्स में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो होती है मूड स्विंग की, इरिटेबिलिटी की, स्टूपर की, यानी कि चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा आने लगता है, चीज़ों को समझना नहीं मुश्किल हो जाता है कि आखिर करना है तो करना क्या है, इस तरह के ये सिम्टम्स आने लगते हैं। कभी कुछ ज़्यादा सिवियर कंडीशंस जो होती हैं उनमें कोई जो लेडीज़ खास तौर से होती हैं वो कभी कभी बैठे बैठे रोने लगती हैं, उनको कोई पुरानी बात याद आ जाती है और अचानक बात करते करते ही उनको रोना आ जाता है, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करने लगती हैं, बहुत जल्दी उनको गुस्सा आने लगता है। पहले वही जो लेडी होती थी, पहले उसका नेचर बहुत अच्छा था और सभी लोगों से बड़े अच्छे मिलजुल के रहती थी फैमिली में, लेकिन जब से उसको इस तरह के हाइपोथायरॉयडिज्म डेवलप हुआ है तो हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण उनको इरिटेबिलिटी डेवलप हो गई है, मूड स्विंग हो गया है उनका, और बैठे बैठे ही छोटी छोटी बात पे उनको हर्ट हो जाता है, बड़े जल्दी ही कोई बात उनके दिल में लग जाती है और इस तरह से उनके जो मेंटल सिम्टम्स होते हैं वो थायरॉइडनम के जो केसेस होते हैं उनमें देखे जाते हैं। यदि हम इसके हेड के सिम्टम्स की बात करते हैं तो हेड में यानी कि सिर में इसको कंटिन्यूअसली कॉन्स्ट्रिक्शन की फीलिंग होती है, हैवीनेस की फीलिंग होती है, ऐसा लगता है जैसे कि पेशेंट के सिर को किसी ने कंटिन्यूअसली पकड़ के रखा हुआ है, दबा के रखा हुआ है। आंखों में बहुत ही ज़्यादा हैवीनेस हो जाती है और कंटिन्यूअस फ्रंटल हेडेक की शिकायत होती है। इस हिस्से में उनको बड़ा ही सिरदर्द उनको पूरे टाइम बना रहता है, हल्का हल्का भी हो सकता है, कभी एकदम से बहुत ज़्यादा तेज सिरदर्द भी हो सकता है। इसके अलावा चेहरे की यदि हम बात करते हैं तो चेहरे में जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि हाइपोथायरॉयडिज्म का जो मेन सिम्टम होता है जिसमें कि पफीनेस आती है चेहरे में, वो पफीनेस आने लगती है, चेहरे में फूला हुआ सा चेहरा उनको दिखने लगता है, आँखों में दर्द उनको बड़ा होने लगता है, आँखें उनकी प्रोमिनेंट होने लगती हैं, आईबॉल्स जो हैं वो प्रोमिनेंट होने लगती हैं उनकी। इसके साथ ही फ्लशेस ऑफ हीट के कारण चेहरे से बहुत ज़्यादा गर्मी का सेंसेशन उनको होता है, पसीना बहुत ज़्यादा चेहरे से आता है, सिर से बहुत ज़्यादा पसीना उनको कभी कभी कुछ केसेस में आने लगता है। यदि हम इसके हार्ट के सिम्टम्स की बात करते हैं यानी कि दिल से संबंधित सिम्टम्स की जब हम बात करते हैं तो ये देखा जाता है कि इसका जो हार्ट होता है वो बड़ा ही वीक हो जाता है, बहुत कमज़ोर हो जाता है, पाल्पिटेशन की शिकायत होती है। पाल्पिटेशन का मतलब होता है कि शरीर में जब भी दिल जब धड़कता है तो पूरे शरीर में उसकी धड़कन को महसूस किया जा सकता है। इसके अलावा सीने में उनको बड़ी कॉन्स्ट्रिक्शन की शिकायत होती है, जैसे कि कॉन्स्ट्रिक्शन उनको हेड में महसूस होता है, जैसे कि जकड़ापन उनको हेड में महसूस होता है, ठीक वैसा ही जकड़न उनको सीने में फील होने लगती है। लेटते ही उनको पाल्पिटेशन की शिकायत होती है और लेटने से ऐसा लगता है जैसे उनका जो हार्ट में है वो टैकीकार्डिया डेवलप हो रहा है, यानी कि उनके जो हृदय की जो गति है वो एकदम से तेज हो रही है। गले की जब हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि गले में उनको एक ड्राइनेस डेवलप होने लगती है और उनके जो उनका जो गला होता है खास तौर से लेफ्ट साइड उनको एकदम से रॉ फीलिंग होती है, यानी अंदर से ऐसा खुरदुरा सा उनको महसूस होता है और इसके साथ साथ ही उनको गले में भी कॉन्स्ट्रिक्शन की फीलिंग होती है। तो ये जो सारे सिम्टम्स होते हैं ये थायरॉइडनम के पेशेंट्स में देखे जाते हैं। यदि हम इनके स्टमक की बात करते हैं तो इनको मीठा खाना बहुत ज्यादा पसंद होता है और ठंडा पानी पीने की इच्छा होती है। गाड़ी में जाने पर इनको भी नौशिया और वोमिटिंग की शिकायत होती है। इसके साथ साथ इनको फ्लैटस बहुत बनती है, गैस बहुत बनती है, बहुत ज़्यादा गैस पास ये लोग करते हैं। रेस्पिरेटरी सिम्टम्स की यदि हम बात करते हैं तो इनको एक ड्राई टिकलिंग सेंसेशन होता है चूँकि थ्रॉट में, तो उसके कारण इनको कंटिन्यूअसली ठसका टाइप का चलता रहता है। स्किन से रिलेटेड सिम्टम्स की यदि हम बात करते हैं तो स्किन से मैं जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि थायराइड के जो पेशेंट होते हैं हाइपोथायराइड के, उनमें स्किन में ड्राइनेस डेवलप हो जाती है, तो इनकी स्किन में भी बहुत ज़्यादा ड्राइनेस डेवलप हो जाती है और पफीनेस तो पूरी ओवरऑल बॉडी में ही आती है। स्टमक से रिलेटेड यदि हम दूसरे सिम्टम की बात करें तो इनको जिस तरह मीठा खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है इसके कारण इनकी बॉडी में ओबेसिटी भी डेवलप होने लगती है। यदि हम इनकी एक्सट्रीमिटीज़ की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि हाइपोथायरॉयडिज्म के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें हाथ पैरों में और जोड़ों में बड़े दर्द की शिकायत होती है, तो थायरॉइडनम के पेशेंट्स में भी यही सिम्टम देखा जाता है और उनको जोड़ों में और हाथ पैर में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है, दर्द की शिकायत होती है। हाथ पैरों में उनको इडीमा आने लगता है, यानी कि पानी इनकी बॉडी में इकट्ठा होने
लगता है, सूजन जिसको बोला जाता है वो सूजन आने लगती है, और इसके साथ साथ ही इनको कार्पल टनल सिंड्रोम जैसे सिम्टम्स आने लगते हैं, यानी कि अंगूठे में यहाँ दर्द होने लगता है, पेन को पकड़ने में बड़ा दर्द होता है, लिखते नहीं बनता है। तो ये जो सारे सिम्टम्स होते हैं ये थायरॉयडिनम के पेशेंट्स में देखे जाते हैं। यदि हम थायरॉयडिनम की डोज की बात करते हैं, यानी कि ये जो थायरॉयडिनम है, इस तरह की ये जो टैबलेट्स हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं, ये टैबलेट्स यदि हम इनके डोज की बात करते हैं दोस्तों, तो थायरॉयडिनम को हमें 3x पोटेंसी में जब हम यूज़ करें तो उसकी 4-4 टैबलेट दिन में 3 बार हमें यूज़ करना चाहिए। इसके साथ ही यदि 30 पोटेंसी में हम उसको यूज़ करते हैं तो फिर उसकी 2-2 बूंद सुबह और शाम, या फिर सिम्टम्स की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के आधार पर उसका डोज डिसाइड करना चाहिए। तो ये जो मेडिसिन होती है दोस्तों, हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए लगभग एक स्पेसिफिक मेडिसिन है, तो इसका यूज़ जरूर करना चाहिए। आपकी एलोपैथिक मेडिसिन चल रही है उसके साथ ही आप इसका यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है। इसको ज़रूर यूज़ करना चाहिए, डॉक्टर से एक बार कंसल्ट ज़रूर कर लें तो उसके आधार पे आप इसको शुरू कर सकते हैं। बस उसमें पोटेंसी डिसाइड करना है कि आपको 3x सूट करेगी कि 30 सूट करेगी कि 200 की 1m की 10m की LM, इस तरह से ये पोटेंसी, इसको कौन सी पोटेंसी आपको सूट कर रही है, बस इतना ये जानकारी होना ज़रूरी है। उसके बाद थायरॉयडिनम आपको ज़रूर स्टार्ट करनी चाहिए, बिल्कुल सेफ मेडिसिन है। इसका बेनिफिट ये होगा कि आपकी बॉडी में जो एलोपैथिक मेडिसिन चल रही हैं उनके डोजेस धीरे धीरे कम होते जाएंगे, फिर धीरे धीरे वो बंद हो जाएगी, आपका हाइपोथायरॉयड जो चल रहा था वो नॉर्मल हो जाएगा, थायरॉयडिज्म आपको खत्म हो जाएगा हाइपोथायरॉयडिज्म, और फिर आपको जीवन भर दवाई नहीं खाना पड़ेगी। तो इस तरह इस मेडिसिन का यूज़ हम होम्योपैथी में करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ पेशेंट के सिम्टम से मैच करने वाली उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का यूज़ करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है।